हाय एवरीवन, तो हमने सीरीज स्टार्ट करी है फ्री कोर्स फॉर बिगनर्स बेसिक टू एडवांस की। ठीक है, तो ये आज उसकी फोर्थ और फिफ्थ वीडियो है। तो इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। ठीक है, तो ये फोर्थ फिफ्थ वीडियो, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी और ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ पर आकर पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिनमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स सिखाऊंगा और अपने डेली के प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा इक्विटी ट्रेड्स के। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक होने वाला है हमारा स्टॉप लॉस। ओके गाइज, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के भी मेरा दिन का ये लॉस रहा है। ठीक है, तो ये क्यों रहा है, कैसे रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या है। तो आज जो मैं आपके साथ स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जब मेरे ट्रेडिंग करियर में मुझे दो दो साल बाद, 2.5 साल बाद पता लगा कि मार्केट में इस नाम की भी कोई चीज़ होती है स्टॉप लॉस। ठीक, तो हमें पता ही नहीं था कि उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस आपको सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्टॉप लॉस क्या है कि वो प्राइस जिसमें आपके आपका लॉस कट हो जाएगा। ठीक, मान लो कि 100 रुपये का कोई स्टॉक है, वो जब तक तो ऊपर की तरफ को जा रहा है, 102, 103, 104, 105, जब तक तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, पर जब वो नीचे की तरफ को आ रहा है, 90 हो गया, 85, 80 हो गया, तो आपने एक प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस को ऑपरेट करना होता है कि आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। जब आपका वो प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक वहां पे कट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें नुकसान होगा पर आपका नुकसान कम होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो वो शेयर अगर जीरो हो गया, तो कुछ हो गया, तो आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा क्या होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की अभी ये सीरीज में, ये फोर्थ फिफ्थ वीडियो में मैं स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो मार्केट में आप बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हो। मार्केट में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, मार्केट में मेन आपकी बिगनर्स लेवल पे आपको देखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मार्केट में प्रेजेंस चाहिए आपकी। आप मार्केट में मैक्सिमम जितना टाइम के लिए सर्वाइव करोगे उतना आपको डे बाय डे सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वीक में या मंथली में आपकी सारी कैपिटल जीरो होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरह तेजी से ऊपर जाती है उससे फोर्थ फिफ्थ गुना स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस होता क्या है। ओके गाइज, तो जैसे कि नॉर्मली आप मान लो कि पेटीएम का स्टॉक आया था मार्केट में। ठीक, तो पेटीएम की जब ओपनिंग हुई थी ये करीब 2000 रुपये के करीब स्टॉक था, आज ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 530। ओके, मान लो आपने ये स्टॉक को 2000 रुपये खरीदा होता और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपकी 75% कैपिटल यहाँ पर जीरो हो जाती। तो स्टॉप लॉस का मेन काम क्या होता है कि जहाँ पर आपने एंट्री कर दी, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा एरिया होता है जिसको कि हमें पता है कि इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत डाउन जाने वाली है, ठीक है, या अप जाने वाली है, तो वहाँ पर हम स्टॉप लॉस पुट करते हैं। ठीक, तो बहुत से एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि आपके कैपिटल का 2% होना चाहिए, 3% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप लॉस को आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक वो एरिया पॉइंट जहां पर उस लेवल को ब्रेक करने का मार्केट बूम करेगी, या तो अपसाइड या फिर डाउनसाइड, वहां पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, या फिर आप अपनी कैपिटल के हिसाब से कि आपको पता है कि भाई मैं इतना लॉस झेल सकता हूं। ठीक, तो जैसे कि अब मैं यहां पर आपको अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मैं अपने डेली अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करता हूँ, प्रीवियस वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज ही मेरा इतना करीब लॉस हुआ है। ओके, पर अगर आप मेरा कल का प्रॉफिट देखेंगे 3500 का है या मैक्सिमम है, तो हमेशा क्या होता है कि लॉस आपका हमेशा कम रहना चाहिए। और मैं दिन की सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ इक्विटी में, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके गाइस, तो स्टॉप लॉस क्या होता है, तो एंट्री मेरी 8637 पर थी। ओके, एग्जिट हुआ है मेरा 8646 पर, वो भी स्क्वायर ऑफ टाइम में, जब मार्केट स्क्वायर ऑफ करती है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेवल, एक सेकंड मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कि ये जो ये मान लो कि एक सेकंड ना, 15 मिनट, फिर मैं इसको ओपन कर लेते हैं। तो आज मेरी एंट्री हुई थी इस लेवल के पॉइंट के नीचे, ठीक है, ये मैं आपको कैंडलस्टिक बाद में टाइम आने पर सिखाऊंगा धीरे धीरे। इसके नीचे मेरी एंट्री थी, सॉरी, इसके नीचे मेरी एंट्री, तो इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था। तो एक इस तरह यहाँ इस कैंडल के नीचे मैंने एंट्री करी थी और इसके ऊपर जाके मेरा एसएल हिट हो जाना था, जो कि आज एसएल मेरा लग गया था। ठीक, तो एसएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आने वाले टाइम में जो आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा उसमें मैं आपको स्टॉप लॉस, सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा
कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक। और मैं आपके साथ अपना इक्विटी का कंसोल भी शेयर करूंगा। तो जैसे कि एक सेकंड, ये है अपना इक्विटी, ये हमारा 1 दिसंबर से लेकर आज 14 दिसंबर तक का आपके सामने मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ इक्विटी का, ठीक। तो अभी तक आप देखोगे कि मेरे 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, 2 दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बाकी दिन मेरा कुछ प्रॉफिट रहा है, ठीक। अगर मैं आपके साथ अपना लास्ट 1 ईयर का शेयर करूंगा, तो जैसे दिसंबर है तो ये जनवरी 1, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरी इक्विटी की ट्रेड्स बहुत कम है, क्योंकि मैं इक्विटी में ट्रेड नहीं करता, ठीक। तो ये इक्विटी में आजकल ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ इक्विटी में ट्रेड्स करना सिखाऊंगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। क्योंकि बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं कि सीधा आके मार्केट में ऑप्शंस में जंप कर देते हैं, उनकी सारी कैपिटल जीरो हो जाती है विद इन मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको इक्विटी में ट्रेड्स करना सिखाऊं। इक्विटी में ट्रेड करना मान लो कि इस तरह है, स्टार्टिंग में आपको 1, 2, 3 सिखा रहा हूँ, या फिर मैं ABCD टाइप सिखा रहा हूँ, ठीक। और ऑप्शन ट्रेडिंग है अल्फाबेट को जोड़ना, जिस तरह एरोप्लेन हो गया, एलिफेंट की स्पेलिंग होगी, वो आपको सब बाद में सिखाई जाती है, पहले आपको ABCD सिखाया जाता ना। तो उसी तरह मैं आपको इक्विटी में ABCD सिखाऊंगा पहले, उसके बाद हम एडवांस लेवल में बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक। तो अभी ये कुछ 15-20 दिन तक हमारी इक्विटी में ट्रेड्स रहेंगी, और होपफुली जनवरी में मैं 15-20 दिन ट्राई करूंगा कि आप सेगमेंट लाइव में ट्रेड करें हम इक्विटी में, ताकि जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें हम लाइव मार्केट में भी इंप्लीमेंट करें और देखेंगे कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, ठीक। और अभी जो मैं इक्विटी के ट्रेड्स अभी मैंने नवंबर से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले सोचा था कि बेसिक टू एडवांस कोर्स सिखाऊंगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए मैं इक्विटी में ट्रेड्स कर रहा हूँ, बाकी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स मैं अपने दूसरे सिस्टम पर करता हूँ, ठीक। वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में शो करूंगा। तो ये मेरे कुछ दिसंबर के ट्रेड्स हैं जो मैंने किए हैं। जब ये मंथ का एंड हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको अपने 1 मंथ की अर्निंग दिखाऊंगा इक्विटी में, कि इक्विटी में हमें 1 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही नहीं, इक्विटी में भी आप अच्छा कैपिटल के साथ गेन कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक। तो बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए, नुकसान होता है होने दो, पर नुकसान हमेशा कम होना चाहिए और प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए। थैंक यू।